उस संविधान का एक अंग हो कि जो भी मीडिया जरा कि हर गल पहुँचा लोगों तक चंकी माड़ी जी आवाज पहुँचा गरीब बंद जी आवाज नहीं पहुँचती कुछ चीज़ा होंगे जी सूँ नहीं पता कर चलिया लेकिन थोड़े थ्रू अभी जो आवाज पता लगे हूँ स्वाद का समा आ रहा नहीं हूँ सोशल मीडिया का समा चल पाया उसकी गल पाते हो सू मिनटों मिनट सा सोशल मीडिया साड़ा अपना सैल है तो नाल दस दिता कि सारा इतने आह इशू आ गया है जो इमेजली असं रिजॉल्व करिए पुराने टाइम से ही हूँ सी अच्छ खबर छपती सी अगले दिन आँदी सी परसों देख रिएक्शन लेट हों जिमें हम लाइव सोशल मीडिया ने मोबाइल्स ने फास्ट करती है उदा ही क्राइम भी ज़्यादा बढ़ गया रिकवरी या जो फंड है वो भी फास्ट हो गया काम दोनों पास तेज हो गए रिस्पोंस उन्होंने भी जो मोबाइल का फायदा भी उन्होंने हो रहा है कि वो जल्दी क्राइम फायदा उदा सानू भी चीज़ का फायदा होया कि असं उन्होंने जल्दी ट्रैक कर लेंगे मैं उम्मीद है कि जो भी पॉइंट अपने महबूब साहब ने उठाए अटवाल साहब ने उठाए या तो अपने चीमा साहब ने जो बैठे बैठे दसता सो असी पूरी मैं कोशिश भरपूर कोशिश करूँगा ये दसिया उन्होंने अपने कि मैं इसी जिले का ही अपने मेरा पिंड इतने गोरा पिंड मेरा है रिश्तेदारियाँ तकरीबन सारियाँ अमरगढ़ अहमदगढ़ मलेरकोट साढ़े साढ़े बजुर्ग सारे इतने मलेरकोट ही पढ़े हैं तो साढ़े जान पहचान मैक्सिम सा इतने ही है सो मैं फीडबैक मिलती रहती है सो वो फीडबैक अलग हैगी है लेकिन थोड़ी फीडबैक पर निर्भर करता क्योंकि बिकॉज तुम छोटी छोटिया गलिया कुछ घूमते हो तो अपने सोर्स होंगे थोड़े को ज़्यादा फीडबैक होंगी है सो मिलजुल के मलेरकोट का शहर है इन आप चंगा बना सकते हैं क्राइम हटा सकते हैं मेरे आए को तकरीबन सवा महीना डेढ़ महीना हो गया सो मेरे वालों रात आई कोशिश रहेगी कि असी इन क्राइम फ्री करिए जो ट्रैफिक की समस्या है दूर करिए सो इस मेरी एक गुजारिश हैगी है जेकर किसी की दो टेंशन होंगी है कोई काम होंगे एक होता मेला फाइट होंगी एक मोटा फाइट होंगी मेला फाइट होंगी है कि जो बंदे का मन में खुद अपने आ हो कि मैं आह जान बुझ के करता एक होंगी मोटा फाइट होंगी टेंशन नहीं होंगी लेकिन वो चीज़ हो जाती हैगी सो मेरे भावों सारे आप बेनती है कि जो कोई मोटा फाइट होंगी है उन्होंने आप चीज़ जो पता कि जान बुझ के नहीं की गई है उन्होंने उछालिए ना उन्हें आप डिस्कस करके ठीक करिए हाँ जो कितने बड़ा काम है मैं नहीं रोकता तुम जरूर छापो जरूर गल करो जी जरूर उत्तर पहुँचाओ कि आह जान बुझ के आह जो भी चाहे मैं मेरा महकमा नहीं है और स्टेक होल्डर का बाकी और एडमिनिस्ट्रेशन हैगी है जो भी माड़ा काम करती है जरूर लोगों के नज़र से लैके आओ सीनियर अफसर से लैके आओ मेरे को गलती होंगी अगर दसो कि आह सची काम कर रहे जरूर दसो लेकिन जिन्हें कोई मेला फाइट है मोटा फाइट है वो मोटा फाइट की टेंशन हैगी है कोई गलत काम होंगे वो आप बैठ के कर सकते हैं जिन्हें तुम्हें पता लगे कि असी उन्होंने सरकार वालों साढ़े वालों पूरा जोर लाया जा रहा है कि आह जरा नशा है जो सब तो वही अभी डेट जो कहने आप डबल दे रहे कोई छेवा दरिया कहता कोई कोई कुछ कह रहा कोई अपने जवानी खराब हो रही है बिल्कुल सारी गल् ठीक है लेकिन उन्होंने एक चीज़ हैगी है जो हम आप कहने कि मेरी अभी इच्छा हैगी कि मैं भाग बैठा इतने बैठा मलेरकोट में अगर मैं चंडीगढ़ पुट्ठी पानी एक दिन तक पुट्ठी पैनी नहीं तो टाइम लगेगा तो इनू भी आप मिलजुल के जो अपने सारी पब्लिक अवेयरनेस आ गई देखो सा मेन फोकस की है कि असं अगला आह महीना लोगों के नाल रबता कर रहे हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर रहे हैं मेन मकसद है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करके लोगों को पता लगे कि पुलिस साढ़े एक एक घर च एक एक महल च एक एक पिंड चक्कर मार रही है सानू विश्वास दिला रही है उनका ट्रस्ट होगा तो ही सानू माँ प्यो दसा कि साडा बच्चा नशे पै गया अदरवाइज उन्होंने होंगे कि नहीं असी आह दसना नहीं है बेइज्जती महसूस करते हैं लेकिन जो बार बार अफसर जाओ एस एच ओ जाओ डी एस पी जाओ मैं जाऊँगा तुम सारे मोहतर बंदे जोड़े है इतने के वो जाएंगे तो उन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होएगा तो सानू ना मैनेज होवेंगे मैं कहना जो हम मेन जो देखो जो मेरा मेरे अपने दिमाग एक चीज़ चलती पी है कि जो एडिक्ट है नवे बने उस लिए छे महीने हो साल में हो जो पक्के अडिक्ट नहीं है कदम लै ली ना कहीं नहीं ली वो बंद ने तो सब तो पहला टारगेट करिए कि उन्होंने असं चढ़ा सकी पेरेंट्स या मुहल्ले वाले या एम सी सरपंच पंच मिल के वो बच्चों को आप रोकीए कि उन्होंने जी उन्होंने जाते हैं करते हैं तो निगाह रखिए बच्चा रात जाता सवेरे आता खाना खाता नहीं खाता सो माँ प्यो सब तो पता पता लगता कि मेरा बच्चा जरा नॉर्मल बच्चा है वह बिहेवियर अलग लगेगा जो बच्चा डर लगेगा वह बिहेवियर का फर्क है
प्यो होएगा प्यो की पत्नी च पैसे चोरी होने जो बोले कि घर की कोई भांडा या गहरा रंग होना शुरू हो जाएगा पता लग जूगा कि घर की चीज गुम रही है मुंडा कि सारे घर काम च पै गया। लेकिन आप एक खतम समझते हैं आप सोचते शर्म समझते हैं कि आप कि गल नहीं करनी साढ़े बच्चे का कि पता ना लग जाए पेंड साड़ी बेइज्जती है। लेकिन हम बेइज्जती की है जो हम बच्चे हो गया बाद फिर तो सारे गल जाहिर हो ही जाना। सो सारा अगर बेनती है कि इनू साढ़े लैवल से आप करिए जो बच्चे एडिक्ट हो गए हैं आप समाज के लैवल पर नहीं कर सकते आप उन्होंने डी एडिक्शन सेंटर या कि होर पा के उन्होंने आप ठीक रहिए। हम मैं रिसेंटली तो मैं आया इतने अपने नवा जिला बढ़िया के करके अपने इतने डी एडिक्शन सेंटर ही है जी। सो डी एडिक्शन सेंटर का मैं हम रिक्वेस्ट की हैगी पी सी का ही मैं गल की है मैं इनफैक्ट डी जी पी एस टी एफ के साथ ए डी जी पी बताया रह गया उन्होंने भी मैं रिक्वेस्ट की कि सर तुम आप जब तो ज़्यादा पाओ नॉन बेसिस से आप कम शुरू करिए। इनफैक्ट मैं उन्होंने कहना इंडस्ट्रियल अपनी एक चैंबर है इंडस्ट्री चैंबर है उन्होंने मिलती मीटिंग कर ली कि आप प्राइवेट तौर पर कुछ कोई हिलम सीधा कर लीए कि जो कि आप परमिशन लैके हेल्थ डिपार्टमेंट को इतने कोई साइकैट्रिस्ट या कोई काउंसलर है वो लैके आप कोई 10 बैड या 15-20 बैड का आप टैंपरी बेसते जो तक सरकार तो मजबूरी आँगी टाइम लगेगा आप कुछ भी कर लिए मेरा वो भी मेरी इच्छा है कि मैं वो भी अपने को जोर ला लिया है गल करके कि अभी उसकी जी कोई कानूनी राय लैके किसी का काम कर सकते हैं। सो उस तक सारी कोशिश हैगी है। सो मेरा हम गल करते ट्रैफिक की नवा जिला करके देखो सारा पता है कुछ भी नहीं गल नहीं है कि मुलाजम की घाट बहुत ज़्यादा हैगी है। मैं नहीं कहता पिछले मेरे जो प्रेडिसेसर से जो पहला रहे हैं तो उन्होंने तो दसिया होना कि ये मुलाजमान की बहुत घाट हैगी है ट्रैफिक में नो डाउट कि घट है। लेकिन मैं अपने चीमा साहब ने चुकी पॉइंट इतों अटवाल साहब ने चलिए अटवाल साहब की गल चुकी सी असी इतने अमरगढ़ मैं गेड़ा मारूंगा आगे थोड़ा पॉइंट्स देख लेंगे थोड़े कि पॉइंट्स हैं डी एस पी अमरगढ़ के एस एस नूं लैके फिलहाल जो ट्रैफिक नहीं है तो अभी उतों जो रश आस होंगे आने वही बंदे ला के असी आस को कवर कर लेंगे वो जो असी टैंपरेरी मैं कर लूँगा। मैं देखो मुलाजमान की जिनी सूँ वैकेंसी से सूँ उन्नी वैकेंसी वो मिली नहीं सहूलूर के पटियाला नहीं आनी सी वो भी मैं रिक्वेस्ट करके इनफैक्ट डी जी पी साहब ने अपने ए डी जी पी पटियाला साहब ने लिखे भेज चुके हैं कि सू नफरी घट लगी है साढ़े 5-7 मुलाजम भी थाने जा रहे हैं 6 मुलाजम है 6 लाख आ रहे हैं 30 बंदे आए थोड़ा उन्हें भी बहुत आसा चुका। सो आई एम ट्राइंग मैं बेस्ट जो मैं कर सकता है लेकिन आने के जिन्हें भी रिसोर्स साढ़े है असं यूटिलाइज करा जिन्हें भी असं बंदे है खुले हैं चुपड़े से भी काम नहीं कर रहे जो भी उन्होंने क्षमता हैगी है उन्होंने मुताबिक मैं उन्होंने कम लै लिया है कि जो क्षमता जो सपोज कोई हम यही वो 55 साल का बीमार है जो तो कम लै सकता मैं वो कम लै रहा जो नफरी कम कर सकता है पढ़िया लिखा वो मुताबिक अकॉर्डिंग टू हिज जी क्वालिफिकेशन हैगी सेहत हैगी है जो आई क्यू लैवल है उस हिसाब में असं कर रहे हैं तो मेरी होपफुली थोड़ा साथ रहा तो असं जी जी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं आते कुछ महीनों के लिए वो हल कर लेंगे तो आप जो है लेबर का जो है जिम्मे मशी होगी या ड्रग्स हैगी है या कोई सट्टे सुटे का काम कर देखो सट्टे का काम तो मैं भजा के बंदे थोड़े सारे सबको पता ही होना मैं क्या हो सट्टे का बंदा कितने नजर आ गया मैं फट के अंदर दे देना वो सारा को पता है मैं खुलिया दसिया हुआ कि कोई भी बंदा कि कनाइमेंस मिली किसी रैंक भी मिली कनाइमेंस उन्होंने मैं हदायत दी हैगी है कि जो थोड़ी तरह तो प्रीवियस चीज होगी होगी जो तो मैं आया जिस पोजिशन में फड़ लिया तो जो सख्त एक्शन मिलता या डिसमिस करता मैं डिसमिस करके जाऊँगा पिछले जो कोई बंद की कनाइमेंस किसी सबके नहीं करता मैं किसी भी चाहे हर कोई चीज मिलगी किसी भी पास किसी की कनाइमेंस मिलगी कोई बदमाश बंदे कोई बैठता उठता करता कोई मैं आँगी या कोई खोदा तो पाना नहीं मैं कह सकता कोई बैठता रहा कि मेरे आते हम कोई बैठा या किता है वो तो मैं डेफिनेटली एक्शन लूँगा।